नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टियाचर कंसल्टेशन सर्विस। आज बहुत दिन बाद आपके लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग कैसे है, क्या है? जन्माष्टमी है, पहले तो जय श्री कृष्ण सबके लिए। हर कॉर्नर में, ये दुनिया का हर कोन कोन में जो भी है, जो सच में कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, एवरी ह्यूमन बींग, एवरी लिविंग एनिमल, जो भी है, जो हम लोग ऑलवेज कॉन्शियसनेस की तरफ ही जाते हैं, तो सबके लिए जय श्री कृष्ण। आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण के नाम पे, जो आपके बारे में, जिनके लिए आप इतना बेकरार हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हैं मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, उनके लिए करंट फीलिंग, उनका करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। हाँ, आई एम वेरी सॉरी अगेन, बहुत दिन बाद, आज शायद 15-16 दिन बाद आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। रेकी वर्कशॉप था, बहुत बिजी थी, ऐसा सिचुएशन था, ऐसा एसोसिएशन मीटिंग था, ग्लोबल हीलर एसोसिएशन मीटिंग था, सो मेनी चीज था जिस कारण के लिए लेके नहीं आ पाई। बहुत 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 दिल से सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर से ट्राई करूंगी डेली लेके आने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों, अपना चैनल कोई बढ़ाना चाहता है? कोई नहीं चाहते ना, तो ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली नहीं दे रही हूँ, ऐसा नहीं। पर्सनल रीडिंग की हूँ, सब की हूँ, मगर टाइम एडजस्ट नहीं कर पाई अभी बिल्कुल आप लोगों के लिए। लाइव भी आऊंगी एंड प्रॉपर रीडिंग भी लेके आऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या चल रहे हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। ये जन्माष्टमी, ये स्पेशल एनर्जी क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, चलिए देखते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट में हैं, जिनके लिए है आपके जो पर्सन, जिनके लिए आप इमीडिएटली सोच रहे हो, इनके करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड 7 of Swords, सेकेंड 9 of Pentacles, थर्ड द लवर्स, फोर्थ 4 of Pentacles, Ace of Wands, Page of Swords, 5 of Pentacles, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Page of Cups, Knight of Cups, Fool and 2 of Cups. साथ ही साथ और एक कार्ड मुझे बार बार खींच रहा है, that is 8 of Wands. चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आपके पर्सन हो सकता है एयर साइन, आप और आपके पर्सन में एयर साइन, फायर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है अर्थ साइन की, ठीक है। सो वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, है वाटर साइन, है। तो ये एक्चुअली जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगा तो आपका है, इतना सारा कार्ड होता है, तो ऑलमोस्ट सभी साइन के जनरल रीडिंग है ना, सभी साइन के लोगों के साथ ये पार्शियली ये डायरेक्टली मैच करेगा, ठीक है। चलिए बस एनर्जी को समझिए, ठीक है। आपके पर्सन सिंपल स्टोरी आपको बहुत 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 ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, वो आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कंफ्यूज्ड है, डर रहा है, व्हाटएवर मे बी, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अगर वो ब्लॉग भी किया है तो दूसरे जगह से कर रहा है। फर्स्ट अगर इमीडिएटली कीवर्ड आपके लिए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत। अब क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बात करोगे या नहीं, क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। दिल में बहुत एक्सट्रीम जगह में मुझे मिसिंग फीलिंग दिख रहा है आपके लिए, एक्सट्रीमली मिसिंग फीलिंग, एक्सट्रीमली मिसिंग फीलिंग। मगर ये बंदे का या बंदी की, जिसका भी हो, ये बहुत सोसाइटी के डर में मर जाते हैं। इनको मालूम है कि आपके पास आके सरेंडर करना चाहिए, आपके पास सब कुछ मानना चाहिए, बट अगेन मुझे बहुत ज्यादा सोसाइटी फियर दिख रहा है। सोसाइटी कैसे छोड़ दे, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, सोसाइटी की फियर भी इनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इमीडिएटली मुझे दिख रहा है। क्या करे क्या ना करे, ऑपोजिट ऑपोजिट खींच रहा है,
एनर्जी, क्या करूं, बात कर लूं, नहीं, डर भी है, थोड़ा सा आपसे डर भी रहा है, या ऐसा कोई उनका कोई कारनामा आपके सामने फंस हो चुका है या हो सकता है इस चीज का भी डर है, ऐसा हॉरिबल कंडीशन में आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहा है, बट आप आए तो बाहर आए वाला एनर्जी दिल में है आपके लिए। जब आपको फोटो देख रहा है बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में जा रहा है, मिसिंग फीलिंग हो रहा है, आपको एकदम माइंड सोल एंड बॉडी से पाना चाहते हैं ना, वो वाला एनर्जी दिख रहा है, होना चाहिए ऐसा एनर्जी, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए एनर्जी जो हो रहा है, ठीक है। ज्यादा पीछे मत लगाइए, हो मेरी तो बहुत तकलीफ में आया, नहीं है, थोड़ा तकलीफ दो, बहुत तकलीफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं रिवेंज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बोल रही हूँ एंड सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बोल रही हूँ, उनको भी रियलाइज होने दीजिए, ठीक है। थोड़ा ये वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है, इसका पॉइंट्स कुछ तो कार्मिक सिचुएशन है आप दोनों में, कार्मिक वो आप ट्विन फ्लेम, बहुत लोग है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, तो कर्मा से तो रिलेटेड है ही ना, तो कर्मा कुछ ना कुछ डिवाइन भी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, भाई इस रास्ते पे जाओ, इस रास्ते पे जाओ, आपको भी उनको भी, शायद आप भी थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप भी थोड़ा सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ये वाला एनर्जी आपके अंदर भी वो हरी भरी एनर्जी, थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी दिख रहा है। आप दोनों में जो छोटे हैं, हो सकता है आपकी पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं, पॉसिबिलिटीज है, अगर ऐसा है आपकी पर्सन आपकी पॉसिबिलिटीज शो है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए आप दोनों में जो छोटे हैं उनका ज्यादा कम्युनिकेशन का इच्छा ज्यादा हो रहा है, समझ में आया, बट कंट्रोल करने का भी मिसिंग फीलिंग है, इनका फिजिकल इश्यूज भी कुछ बन सकता है या फाइनेंशियल इश्यूज, मुझे दिख रहा है आपकी पर्सन की कुछ ना कुछ एक फिजिकल इश्यूज या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के अंदर से, फाइनेंशियल इश्यूज के अंदर से वो जा रहा है, ठीक है। बट बहुत ज्यादा मिसिंग फीलिंग, खुद के दिल की बात बोलना, मगर आपके पर्सन का एक तो चीज बोलना पड़ेगा, थ्रोट चक्रा ट्रिवेंडसली ब्लॉक, बहुत, आप लोग अगर हीलिंग जानते हो तो आप बिल्कुल थ्रोट के ऊपर काम कीजिए, खुद का भी उनका भी, अगर नहीं जानते हैं तो प्रोफेशनल कोई हीलर के पास जाके उनके थ्रोट चक्र के ऊपर काम कराइए, देखिए कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। आप लोगों मिरर एक्सरसाइजेस, जो प्रॉपर मिरर एक्सरसाइज जानते हैं वो कीजिए, बिल्कुल काम करेगा, थ्रोट चक्र में काफी ज्यादा ब्लॉक दिख रहा है। एंड द थिंग इज, काफी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बहुत जल्दी आप लोगों में कम्युनिकेशन होने वाला है, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, आप दोनों में एक रियूनियन एनर्जी बनने वाला है, समझ में आया, अगले 2 महीना एक टाइम है जिसमें आप दोनों में बहुत लोगों का शादी तक बच जाएगा या एक हार्मोनियस रियूनियन जहां पे शादी पॉसिबल नहीं है, ये वाला एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए आज जो अगस्त की 26 है ना, सो एनी हाउ बहुत जल्द विद इन ऑगस्ट भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, समझ में आया, ये वाला एनर्जी है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, मगर रास्ता गॉड ही दिखा रहा है, ये वाला एनर्जी में एक्चुअली पर्सन है, कम्युनिकेशन के लिए बेकरार है, हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है एंड बहुत ज्यादा मिसिंग फीलिंग मुझे दिख रहा है। एंड वो कहीं ना कहीं होता है ना एंग्जाइटी इंसान की हेल्थ के ऊपर भी फेंक, ये होता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वाला एनर्जी भी है, छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम तो हुआ है, पैर में चोट लगना ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी पर्सन की, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। फास्ट कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है दौर के, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड एज ऑफ कप सॉर्ड्स, बाधा हुआ सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहा है, अगेन एक्शन की कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई अनबन हुआ है या सिचुएशन थर्ड पार्टी के लिए खराब हुआ है तो वो कहीं ना कहीं से वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर ऐसा है कि आपकी पर्सन के साथ आपकी थोड़ा सा डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो भी स्टार कार्ड, आपकी विश फुलफिल होने वाला है, बैलेंस आने वाले है रिश्ते में, कब तक आने वाला है बैलेंस, ये 3 to 6 का एक मुझे टाइम दिख रहा है, ये मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, दिन हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, इसके अंदर आप और आपकी पर्सन की एक या फॉर एक्सटेंडेड 6 weeks मुझे दिख रहा है, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, वीक हो सकते हैं, सो इसके अंदर आपकी पर्सन का एक बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ आने वाला एनर्जी दिख रहा है। बहुत लोगों को अगस्त के अंदर ही फोन मैसेज अगर नहीं आ रहा है आ जाएगा, ठीक है, एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग, देखिए काल के दिन भी हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है, सो बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना है,
पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी ही आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। एंड आपका जहां पे एनर्जी रहेगा वह इंटेंशन एक्चुअली वो फोन करेंगे हाँ करेंगे, ऑलरेडी करते हैं, ये वाला इंटेंशन रहेगा वो ही मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। सो आपके अंदर की बैलेंस कीजिए बिल्कुल बहुत अच्छा से, आप दोनों का रियूनियन आप देख पाएंगे। चलिए देखते हैं बाबा के संदेश या डिवाइन संदेश, आज टैरो में ही दिखा रही हूँ कि डिवाइन का क्या एक्चुअली आपके लिए संदेश है, डिवाइन का संदेश क्या है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए, आपकी पर्सन आपको प्यार करते हैं वो लेके ज्यादा मत सोचिए, हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट। अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वहां से बहुत बुद्धि के साथ बाहर आइए, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते हैं, एंड कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। सो बहुत पैशनेट हो जाइए अपनी जिंदगी में, बहुत ही समझिए अपने आप को, बहुत प्यार कीजिए अपने आप को, देखिए बाकी आपके पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। तो ये था आज का रीडिंग, छोटा सा रीडिंग बट बहुत इम्पोर्टेंट, मन लगा के फिर से सुनना है सुनिए, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कीजिए कमेंट कि आपको जो भी कमेंट करना है। एंड मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का विश फुलफिल हो जाए। कोई भी सर्विसेज चाहिए, पर्सनल रीडिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग, पर्सनल रीडिंग के साथ अगर आपको रिमेडीज चाहिए, सो मेनी घर की रिमेडीज, मतलब आपकी आसपास की रिमेडीज होते हैं या जो रिमेडी आपको 21 डेज के अंदर काम करेगा, सो वो वाला रिमेडीज अगर चाहिए, रीडिंग चाहिए, ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल चाहिए, स्टोन चाहिए, प्योर अनहीटेड अनट्रीटेड स्टोन चाहिए, अगर ऐसा कवच चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, अगर आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग के जरिए आपका हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपके रिलेशनशिप को हील करना है, अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बहुत लोगों को अच्छा होगा, है ना, कि बहुत लोग हैं जो पर्सनल नहीं रीडिंग ले पाते हैं, मैं लाइव में आती हूँ, जनरल रीडिंग देख के भी तो हील हो सकते हैं, राइट। मेरा टेंडेंसी होता है काउंसिल करना, हील करना इंसान को, ठीक है। चलिए तब तक के लिए कल फिर आती हूँ, तब तक के लिए